नमस्कार, आप सबका स्वागत है। फिल्म दंगल की एक्ट्रेस जायरा वसीम 17 के साथ विस्तार एयरलाइन में छेड़छाड़ का मामला सामने आने के बाद रियल दंगल गर्ल बबीता फोगाट ने इस पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। बबीता ने जायरा के साथ छेड़छाड़ करने वाले आरोपी को दरिंदा बताया है। उसने कहा कि लड़कियों को ऐसे लोगों को एक सपोज करना चाहिए, अगर उनके साथ कोई ऐसी हरकत करता है तो सीधे थप्पड़ मारना चाहिए ताकि सामने वाला ऐसी हरकत ही न करे। बबीता ने कहा कि जायरा तुमने दंगल में इतना दमदार रोल निभाया है, आपको रियल लाइफ में भी धाकड़ बनना चाहिए। मुंबई एयरपोर्ट पहुंचकर जायरा ने मोबाइल में एक वीडियो रिकॉर्ड किया जिसमें वे रोती हुई नजर आईं। उन्होंने इसे इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर करते हुए घटना की जानकारी दी। एक्ट्रेस जायरा ने लिखा, मैं दिल्ली से मुंबई फ्लाइट में सफर कर रही थी, पीछे बैठे एक अधेड़ ने 2 घंटे के सफर में मुझे परेशान किया। मैंने इसे अच्छी तरह से समझाने के लिए फोन में रिकॉर्ड करने की कोशिश की, लेकिन केबिन में धीमी लाइट की वजह से ऐसा नहीं कर पाई। करीब 5 से 10 मिनट तक वे पैर से मुझे कमर और गर्दन पर टच करता रहा। जायरा ने वीडियो में कहा, मैंने अभी मुंबई में लैंड किया है, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ये कोई तरीका नहीं कि आप एक इंसान को ऐसा महसूस कराएं। क्या आप ऐसे ही लड़कियों की रक्षा करेंगे? कोई मदद के लिए नहीं आया, ये बहुत डरावना अनुभव था। न्यूज एजेंसी ANI के मुताबिक विस्तारा ने कहा है कि हमने कल रात जायरा के साथ हुई घटना की जांच करेंगे, मामले में कार्यवाही के लिए जायरा को पूरा सपोर्ट भी देंगे, ऐसे मामलों में हमारी 0 टॉलरेंस पॉलिसी है। विस्तारा के सूत्रों ने न्यूज एजेंसी से कहा कि जायरा फ्लाइट में सिर्फ को पैसेंजर पर चिल्लाई थी, तब उन्होंने कोई शिकायत नहीं की। उड़ान के वक्त सभी क्रू सीट पर मौजूद थे। लैंडिंग के बाद क्रू ने जायरा और उनकी मां से कहा कि वे चाहें तो शिकायत दर्ज करा सकती हैं, पर उन्होंने इनकार कर दिया। फिलहाल ड्यूटी पर मौजूद सभी क्रू को जांच के लिए बुलाया गया है। एयरलाइन आरोपी पैसेंजर से कांटेक्ट करने की कोशिश भी कर रही है। राष्ट्रीय महिला आयोग NCW ने भी जायरा के साथ हुई घटना पर संज्ञान लिया है। चेयरपर्सन रेखा शर्मा ने कहा, मैंने अभी इंस्टाग्राम पर वीडियो देखा, दिल से दुखी हूँ, यह बेहद डरावनी घटना है, जिसके बाद क्रू मेंबर्स ने भी लड़की की कोई मदद नहीं की। विस्तारा ये दावा कर रही है कि ऐसे मामलों में उनकी 0 टॉलरेंस पॉलिसी है, यह बेहद चौंकाने वाला है।